Hey guys, hello everyone. My name is Mayur and you're watching Toshpa Vlogs. We are back with another video, guys. और आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें कोई एक ऐसी मार्बल कटर मशीन पर वीडियो बताओ जो कि कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो, कुछ इंटरेस्टिंग सी मार्बल कटर मशीन हो. सो गाइज, आप फिक्र मत करिए, इस वीडियो को देखें. ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशल है. जी हाँ गाइज, और इस वीडियो के अंदर मैं मार्बल कटर मशीन लेकर आया हूँ. और ये कोई मामूली सी कटर मशीन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल. आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना अलग जो है ये मार्बल कटर मशीन मैं आज लेकर आया हूँ. सो मैं काफ़ी ज़्यादा उतावला हूँ इस कटर मशीन को अनबॉक्स करने के लिए, और मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप लोग हो गए. वैसे आपने टाइटल और थंबनेल देखा हो होगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है. और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मशीन की डिटेल तो दूंगा, स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बताऊंगा. इनफैक्ट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा कितने प्राइस पॉइंट पर आपको ये मशीन जो है देखने को मिलती है. सो आप इसी तरह वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वरना आप कुछ ना कुछ पार्ट मिस करोगे जो कि मैं कतई नहीं चाहता. तो आप इसी तरह वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा सीरियसली अगर आप मेरी मानते हो तो. और ये काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है. सो करते वीडियो को स्टार्ट. सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, थोड़ा सा मोटिवेट के लिए. सो करते वीडियो को स्टार्ट. सो लेट्स बिगिन. सो गाइज, मैंने फैसला किया है कि यहाँ पर बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले एक बार जो है बॉक्स का वॉक अराउंड दिया जाए कि किस टाइप से जो है आपको इसकी प्रोफाइल देखने मिल जाती है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो है आपको ब्लूइश कलर में यहाँ पर बॉक्स देखने मिल जाता है, कुछ इस तरह से जो इसकी पैकेजिंग है. और अभी हम जो है यहाँ पर बॉक्स के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है तो उनकी बातें करते हैं. सो यहाँ पर आपको डिटेल के तौर पर यहाँ पर ब्रांडिंग नेम मेंशन किया हुआ है, लेजर टेक, और 150 mm की जो है मार्बल कटर आपको ये देखने मिल जाती है. यहाँ पर ये हैवी ड्यूटी सीरीज़ है. हाँ, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता देता हूँ. तो लेजर ट्रैक और ट्रैक ट्रैक जो कि दोनों सेम ब्रांड है, बट ट्रैक ट्रैक जो है लोकल ब्रांड है और लेजर ट्रैक जो हैवी ड्यूटी सीरीज़ है. और प्राइसिंग के मामले में भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. लेजर ट्रैक जो है थोड़ी हाई रेंज में आती है और ट्रैक ट्रैक जो है अपनी लोकल. सो ये है वो 6 इंच की मार्बल कटर मशीन, और इसको लोग जो है CM6ST के नाम से जाना जाता है. इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो LHD6ST. सो ये इसका मॉडल नंबर है. और अभी मैं जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मशीन क्यों स्पेशल है, इसके अंदर ऐसी स्पेशल वाली बात क्या है जिस वजह से ये मशीन जो है स्पेशल बनती है. सो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंपनी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेशनल बैरिंग कंस्ट्रक्शन, पावरफुल मोटर, एंटी वाइब्रेशन एल्यूमिनियम सपोर्ट, हैवी ड्यूटी रबर कोड वायर. सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने मिल जाती है. अनबॉक्स करने का काफ़ी इजी है, यहाँ पर इस तरह से जो है आपको खोलना है बॉक्स. सो यहाँ पर बॉक्स खोलते ही मुझे सबसे पहले जो है यहाँ पर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन और ये वारंटी कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने मिले हैं. सो यहाँ पर वारंटी कार्ड आपको देखने मिल जाता है जो कि कंपनी क्लेम करती है 6 मंथ की वारंटी. सो एक तो ये देखने मिल जाता है, और आपको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक देखने मिल जाता है. और तो और यहाँ पर इसके अंदर मेरे को मिल जाता है कुछ एसेसरीज, नहीं है क्या, हाँ ये रही. सो यहाँ पर एसेसरीज़ के तौर पर आपको 2 स्पैनर देखने मिल जाता है, 1 स्पैनर देखने मिल जाता है, और एक मिल जाती है यहाँ पर नट की की. सो यहाँ पर ये एलनेट की है जिसकी क्वालिटी मुझे एक्चुअल में सही लग रही है. और ये है एक स्पैनर जो कि आप एबी वाइसर पर लगा के जो है इस तरह से एलनेट खोल सकते हो. सो इसके लिए ब्लेड को टाइट और ढीला करने के लिए. एसेसरीज के नाम पर ये 2 टूल आपको देखने मिल जाते हैं, और तो कुछ नहीं है. और फिर इसके अंदर आपको थर्माकोल देखने मिल जाता है, सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए आपको थर्माकोल का सपोर्ट दिया हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट में वगैरह आता है तो थर्माकोल की वजह से डैमेज नहीं होती है. मालूम है, तो यहाँ पर कार्बन का पैर देना चाहिए था. जब मशीन की प्राइसिंग इतनी रखी है तो कार्बन का एक पैर तो गाइस कंपनी को देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहा था मुझे. खैर अभी छोड़िए, वो तो अपनी अपनी कंपनी की मर्ज़ी. सो और तो और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं आता. और अब हम बात करते हैं मेन मशीन की. एक बार मैं बाहर निकाल देता हूँ इस कवर से. तो ये कुछ आपको इस टाइप से जो है रेडिश कलर में मशीन देखने मिल जाती है. ये इसका कुछ फ्रंट लुक आपको देखने मिल जाता है इस मशीन का, जो कि 6 इंच की मार्बल कटर मशीन है, और इसके अंदर 6 इंच तक की ब्लेड आराम से बैठ जाएगी. सो यहाँ पर आप देख सकते हो
और इसकी हैवीनेस, मुझे इसका जो ये हाउसिंग है ये देख के मुझे पता चल गया इसकी हैवीनेस। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल स्क्रू आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, दोनों साइड में डबल डबल स्क्रू देखने मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा इसके फिटिंग पर ध्यान दिया हुआ है कंपनी ने। और क्वालिटी वाइज की बात करूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लग रही है और काफ़ी हैवी है यार मशीन सीरियसली। और अभी हम सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर 230 का आपको वोल्टेज देखने मिल जाता है। फिर इसके हर्ट्ज की बात करूँ तो 50 हर्ट्ज आपको देखने मिल जाता है। वोल्ट की बात करूँ तो 1700 वोल्ट की ये मशीन आपको देखने मिल जाता है। आरपीएम की बात करूँ तो 9000 इस मशीन का आपको आरपीएम देखने मिल जाता है। 150 एमएम की जो है ये मशीन है, जो कि चेंज की मशीन आपको यह देखने मिल जाती है। सो और तो क्या ही चाहिए स्पेसिफिकेशंस में, इतनी हाई पावरफुल मशीन आपको देखने मिल जाती है और 9000 इस मशीन का आरपीएम है गाइस, और तो क्या ही चाहिए। और तो आप देख सकते हो ये कुछ इसका हैंडल, एक प्लास्टिक के अंदर ही एक ऐसी जो है डिज़ाइन बनाई हुई है जिस वजह से जो है आपको ग्रिप अच्छा सा बना रखते है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मेरे को अच्छी लगी है ग्राफिक। सो ये प्लास्टिक के अंदर ही बनाई हुई है एक्चुअल में, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो है गियर बॉक्स की डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे प्रीमियम नज़र आ रहा है। आपको क्या मालूम इसके ऊपर जो है टेक्सचर नज़र आ रहा है कि नहीं, ये एक अलग सा यूनिक टेक्सचर आपको इसके ऊपर देखने मिल जाता है गियर बॉक्स में, और ये एल्यूमिनियम का गियर बॉक्स है। सो काफ़ी सही लग रहा है यार। और ये कुछ इसके हाउसिंग देख सकते हो, ये इसके एलवाइसर देख सकते हो। सो आपको मैं एक बार जो है एलवाइसर खोल के दिखाता हूँ कि किस टाइप से जो इसकी बैरिंग की फिटिंग है। सो इसको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये कुछ इस तरह से पकड़ना और जो है इस तरह से घुमा देना। सो यहाँ पर आप इसका एलनट जो है खोल सकते हो इस तरह से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सील फिटिंग देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी जाने लायक यहाँ पर गैप नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर भी जो है सील लगाई हुई है जो कि ऑयल सील होती है। और बैरिंग्स जो है इस मशीन में तगड़े आते हैं, अच्छी क्वालिटी के बैरिंग्स इस मशीन में आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये अप डाउन करने का लीवर आप देख सकते हो, सो कितना सॉफ्टली लीवर भी जो है अप डाउन होता है। सो ये मुझे काफ़ी सही लगा। और नीचे की तरफ आप इसकी बेस प्लेट देख सकते हो, यहाँ पर ये मार्क दिया हुआ है। इस मार्क का गाइस काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है। सो ये मार्क जो है आप अगर टाइल पे डायरेक्ट चलाते हो तो ये हवा ब्लॉक नहीं करता, और ये मार्क इस वजह से दिया है जो कि आपकी हवा को जो है रिलीज़ कर दे और टाइल पे जो है चिपके ना। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये ग्रिल दी हुई है, एक काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन भी दिख रहा है। और तो और यहाँ पर कचरा जो है अंदर भी नहीं जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े खिले वगैरह भी अंदर चले जाते हैं, सो यहाँ पर वो खिले वगैरह नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। और यहाँ पर ये एयर वेंट्स दी हुई है जिस वजह से जो आपकी मोटर कूल रह सके और नॉन स्टॉप जो है आप इसका यूज़ कर सको। यहाँ पर इस साइड में भी आप देख सकते हो ये आपको यहाँ पर एयर वेंट्स दी हुई है, सो इससे जो है आपके हवा जो है सप्लाई हो सके, हवा अंदर पार हो सके। सो इस वजह से वाल दिया हुआ है जो कि आप पाइप को ज्वाइंट करके जो है यहाँ पर पानी जो है आ सकते हैं और आप इजीली जो है कटिंग कर सकते हो मार्बल को। सो काफ़ी सही क्वालिटी यहाँ पर आपको इस मशीन की देखने मिल जाती है। और अभी जो है मैं इसके वायर की बात करता हूँ तो यहाँ पर वायर अंदर आपको मेरे ख्याल से 2 मीटर वायर देखने मिल जाता है। सो यहाँ पर वायर भी मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये वायर देखने मिल जाता है 1.5 का 2 कोर, जी हाँ गाइस। सो यहाँ पर वायर पे भी काफ़ी अच्छा सा जो है फील आ रहा है और काफ़ी सॉफ्ट मुलायम वायर है गाइस सीरियसली। मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस वायर को भी चलाते हो तो ये जो है हार्ड नहीं होगा, ये ऐसा कैसा जो है सॉफ्ट रहेगा। सो उस टाइप का वायर है, यहाँ पर 2 मीटर आपको वायर देखने मिल जाता है। सो काफ़ी सही है यार वायर एक्चुअल में गाइस। ये मेरे बताने पर नहीं, जब आप इसको हाथ लगाओगे तब आपको जो है इस चीज़ की फीलिंग पता चलेगी एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। सो एक बार जो है हम इस मशीन का साउंड टेस्टिंग करते हैं, इस मशीन को चला के देखते हैं कि किस टाइप की जो है साउंड ये मशीन प्रोवाइड करती है, क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह है कि नहीं। सो यहाँ पर बिल्कुल भी स्पार्क वगैरह आपको इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो स्पार्क आपको। इस मशीन का आप टॉर्क देखना है, जो मेरे हाथ पे झटका मारेगी वो टॉर्क देखो आप।
ऑब्वियसली एक अच्छा सा पंच जो है मशीन दे रही है, जो कि उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा टॉर्क है, कितनी ज़्यादा उतावली है भागने के लिए। बिल्कुल वाइब्रेशन आपको नहीं देखने मिल जाता है। और ये कुछ इसके ए वी वाइसर्स की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से ए वी वाइसर्स की क्वालिटी है। इसका एल नट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो